आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स और बायोलॉजी का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ। क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए हमें क्या करना है हमें बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है मान लीजिए कोई कंसिडर करते एक रिएक्शन तो इनिशियल कंसनट्रेशन ए है ए माइनस एक्स है तो एक्स ये टाइम ज़ीरो पर ये टाइम टी पर ठीक है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है जिसमें रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर वन ठीक है जो इसमें कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन अगर वन होगा तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये टाइम टी पर है ठीक है तो के ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको ठीक है क्योंकि टाइम टी पर जो कंसनट्रेशन है वो ए माइनस एक्स है सो so इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अब बोल रहा है शो दैट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ डेफिनेट फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसनट्रेशन कह रहा है कि अगर कोई शो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताना है कि जब किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर हम डिटमाइन करेंगे रिएक्शन को तो वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता ओके okay? सो so, अगर हम इनकेस मान लेते कि हम निकाल रहे हैं फ़ॉर फिफ्टी परसेंट कंप्लीसन ठीक है फॉर फिफ्टी परसेंट कंप्लीशन अगर हम फिफ्टी परसेंट पे टाइम निकाल रहे हैं तो देखते हैं कि वो कैसे वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है या नहीं करता तो फिफ्टी परसेंट पे ए माइनस एक्स की जो वैल्यू हो जाती है वो हो जाती ए अपॉन टू क्योंकि ए माइनस एक्स की वैल्यू ये है और जब इनिशियल कंसनट्रेशन ए है तो ऐट टाइम कितने पे एट टाइम फिफ्टी परसेंट मतलब टी हाफ पर जब रिएक्शन फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट हुआ है या टी वन बाई टू हुआ है तो जो इनिशियल कंसनट्रेशन का हाफ हो जाएगा दैट विल बी ए माइनस एक्स ओके सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम इसमें पुट करेंगे के टी इज इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है फॉमूला ठीक है ये फॉर्मूला है हमारा और इसमें जब हम वैल्यूज पुट करेंगे किसकी ये तो वैसे ही रहेगा यहाँ पर टी वन बाई टू कर दो टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन ए ही है फाइनल कंसनट्रेशन क्या है ए बाई टू है ए बाई टू तो ए से ए कैंसिल टू ऊपर चला जाएगा टू पॉइंट थ्री ज़ीरो थ्री लॉग टू और ये हो जाएगा के टी वन बाई टू ओके सो टी वन बाई टू इज़ इक्वल टू 2.303 पॉइंट थ्री टू की वैल्यू होती है जीरो पॉइंट थ्री जीरो वन ज़ीरो अपॉन के इसको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी टी वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के सो बेसिकली इस फार्मूले में जो हमारा ये निकल के आया है टी हाफ की वैल्यू जब रिएक्शन फिफ्टी परसेंट कम्प्लीट हुई है तो क्या इसमें कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू है तो हम ये बोल सकते हैं कि टी हाफ टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेंट ये इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है टी हाफ क्योंकि इस फॉर्मूले में कहीं भी इनिशियल कंसेंट्रेशन का मैंशन नहीं है सो so, यही प्रूफ करना था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर टाइम अगर हमें चाहिए किसी डिफिनेट फ्रैक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता तो ये जो फॉर्मूला है ये दिखा रहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे टी टीहैफ की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही है क्लास सिक्स ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मीनस और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स कवर हो सकता है आज डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर